ये है मेन व्हील, ये देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड में आ रही है। देखिए ये मेन व्हील है, गुड फ्लाई मैग्नेटिक फ्लाई व्हील। ये बीच की असेंबली है साइड की, ये लॉक, ये बीच में असेंबली में जुड़ता है। ये मैग्नेटिक फ्लाई व्हील और जो मेन व्हील होता है उसके बीच में डिस्टेंस रखता है। ये बीच में जो नट आती है सॉकेट के तौर पर यूज होती है। ये वाइसर है और ये है मेन नट। चले हम हमारे जो टेक्नीशियन और नॉट जस्ट टेक्नीशियन बट टेक्निकल डिपार्टमेंट हेड बाबी, मैग्नेटिक फ्लाईव्हील के टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड नोमान बाबी से पूछेंगे कि स्टार्ट से आप पहले कैसे खोलेंगे इसे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा व्हीकल का जो टू व्हीलर का जो बड़ी नट होती है उसे खोलेंगे, एक्सेल नट। हाँ उसे क्या कहते हैं? एक्सेल नट बोलते हैं। हाँ एक्सेल नट। तो आपने अच्छा पहले से आपने उसे थोड़ा सा लूज करके रखा है कि क्या था? कई बार होता है कि काफी लंबे वक्त से खुली नहीं होती तो ज्यादा खुलती नहीं है। देखो ये नट है। हाँ इसे निकाल दे रही है। और उसका जो वाइसर आप वापस लगा, उसका एक वाइसर है। हाँ वाइसर को निकालना नहीं, वहीं के वहीं रखना है। ओके उसके बाद कौन सा असेंबली आप डालोगे? उसके बाद असेंबली है कि मतलब जो थ्री पार्ट का असेंबली है, इसे क्या कहते हैं? ये हमारे व्हील का अटैचमेंट है, ठीक है। हाँ ये आप खुद बनाते हैं, मतलब व्हील के साथ में आएगा अलग से? व्हील के साथ में ही आएगा। ओके ओके, मतलब आप ही इसके साथ के साथ में ये चीज भी अवेलेबल होगी। ओके ओके, तो ये चीज को ये एक्सेल की नट निकाल, ये निकालने के बाद में इसे इनबिल्ड कर देना, मतलब वो जो एक्चुअल जो नट है वो निकल जाएगी। हाँ, तो इसमें अलग से हमें कोई एक्सेल या दूसरा कुछ डालना तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 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 वो एक्सेल की जगहों पे उसे एक अटैचमेंट है उसे लगाना है। ओके उसके लगाने के बाद में ये नट ये 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 नट स्पेशली आपने बनाया हुआ है? स्पेशली हमने बनाया हुआ है कि ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग नट है। ओके जरा दोनों को आप एक साथ में बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए देखिए शॉर्ट नट है ये, स्पेशली जो ये जो पहला वाला है उनके लेफ्ट हैंड में है जो कंपनी की नट रहती है जो कि काफी छोटी रहती है। हम देख सकते हैं जो, और ये लॉन्ग नट है। हाँ ये बड़ी वाली नट। तो अच्छा ये आपका जो व्हील लगाते हैं तो उसके असेंबली में काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे डायरेक्ट लग जाएगी तो यहाँ पर कसने की जरूरत है? हाँ कसने की जरूरत। ओके मतलब जो पुरानी वाली एक्सेल है उस पर यहाँ पर कस दोगे? ओके ये एक्सेल है उसके ऊपर नट को लगाई और इसे फुल टाइट कर देना। ओके उसके बाद का स्टेप कौन सा रहेगा? चलिए आपने इसे कस दिया, इसे फुल टाइट कर देना, ठीक है। अब जरा हमें बताइए। अच्छा ये वाला व्हील है गुड फ्लाई मैग्नेटिक फ्लाई व्हील, ठीक है दर्शक। ये गुड फ्लाई जो आप शाइन मार रहा है ये काफी ब्राइट है और एक्चुअल में ये शाइन मार रहा है क्योंकि एक्चुअली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इसे इनबिल्ट कर देना। हाँ इसे इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊंगा इसे, एक बार फिर से निकाल के वापस दिखाइए ताकि दर्शक जान सके कि किस प्रकार से। देखिए काफी इजी प्रोसेस है, पहले हमने नट निकाली फिर एक छोटा सा, देखिए फिर से ये असेंबली व्हील लगा दिया, इसको व्हील को इनबिल्ट कर दिया। हाँ, हाँ। और ये बोल्ट है। हाँ ये वाइसर अलग से या इनबिल्ट ही आएगा ये? ओके ओके, मतलब ये पूरा किट आएगा। हाँ और इसको लगा के इसे लगा देना। तो मुश्किल से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई एमेच्योर है तो वो कितने मिनट में लगा देगा? मतलब जिसे पता नहीं है ज्यादा लेकिन थोड़ा बहुत जानता है 10 मिनट में कोई मतलब कोई भी बंदा, मतलब जो टेक्निकल के बारे में ज्यादा है और या नहीं है तो भी वो 10-20 मिनट में लगा सकता है। 10 मिनट में? ओके ये हो गया। अब आप जरा देखिए ये यहां से भी दिखाई देगा आपको व्हील। हाँ, यहाँ से देखिए पूरा व्हील नजर आएगा आपको। हाँ, सभी एंगल से हम दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा व्हील यहाँ से भी आप देखिए। और इसे हम स्टार्ट करते, देखिए एक्चुअल में देखिए ये अभी स्टार्ट होगा तो स्टार्ट कैसे होगा? देखो इसे स्टार्ट, चलिए स्टार्ट हो गया। व्हील को जैसे ही रेस देंगे ये दोनों साथ चलने लगे, लेकिन जैसे ही व्हील रुकता है, मेन व्हील रुकता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लाईव्हील चलना जरूरत है। एक बार थोड़ा सा ज्यादा तेज चलाइएगा, देखिए देखिए ये जो रोटेशन है इसे एडिशनल मोमेंटम कहा जाता है।
काफ़ी बेहतरीन ईजाद है।